आजकल जहां देखो ऐसी खबरें सुनने को मिली जाती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मिलावट की जाती है। वो पैक्ड खाना भी हो सकता है और वो सब्जियां भी हो सकती हैं। आजकल किसी भी चीज पर भरोसा कर पाना एक बेहद मुश्किल काम हो चुका है। आजकल जो चीजें हम फ्रेश समझकर खाते हैं उनमें भी मिलावट की जाती है। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिसमें होती है मिलावट और किस तरह इनसे बचा जा सकता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आप सुनते रहेंगे तो हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें। पहला फुटेज है बिहार का। जो मटर आप ऑफ सीजन में खाते हैं वो किस हद तक प्योर है इस बात का अंदाजा आपको इस फुटेज को देख कर ही लग जाएगा। ये सभी लोग मिलकर इन मटर को कलर कर रहे हैं ताकि उन्हें मार्केट में फ्रेश मटर की जगह बेचा जा सके। ये मटर देखने में बिल्कुल फ्रेश होते हैं पर असल में उनमें एडिट कलर डाला जाता है जिससे हेल्थ को काफी नुकसान होता है। अगला फुटेज है यूपी का। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये किसान बची हुई सब्जियों को कैसे फ्रेश करके मार्केट में बेचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फ्रेश सब्जियां आप खरीदते हैं वो असल में बासी और कलर्ड होती हैं, जिन्हें एडिड कलर्स में भिगोकर ताजा बनाया जाता है। ताजे और चमकीले बैंगन जो आप खाते हैं उसमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तीसरा फुटेज है जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ये है हरियाणा का। फुटेज में ये बुजुर्ग इंसान लौकी की फसल को इंजेक्शन दे रहा है। जब इसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसका जवाब था मजबूरी। उसने कहा कि वो जानता है कि ऐसी सब्जियां हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती पर ये उसकी मजबूरी है कि उसे ये करना पड़ रहा है। तो ये तो हुआ ताजी सब्जियों के पीछे का सच। पर अब मैं आपको बताऊंगा इनसे बचने का तरीका। आप जब भी सब्जियां या फल खरीदने जाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी फल या सब्जी आप लें वो उसी सीजन का हो। ऑफ सीजन में सब्जियां लेना आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। और इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि जब भी आप बाहर से कुछ खरीदें ध्यान रखें कि वो सब्जी या फल पैक्ड ना हो, क्योंकि पैक्ड फ्रूट्स के फेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी आप सब्जी खाते हैं उन्हें उबाल लें या स्टीम कर लें और काटने से पहले उन्हें गर्म पानी से धो लें ताकि उन पर लगे केमिकल्स हट जाएं। आखिर में ये सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से कि जब भी कोई नॉर्मल साइज से बड़ा फल या सब्जी आप देखते हैं तो आपका खरीदने का मन हो जाता है, पर ऐसा करना गलत है। आपको हमेशा नॉर्मल साइज की ही सब्जियां और फल खरीदने चाहिए। तो आप जब भी मार्केट जाएं इन चीजों का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें और जितना बच सकते हैं इन सब्जियों से बचे। एक तरीका मैं आपको बता दूं कि इनको गर्म पानी में जरूर धोएं ताकि इसके अंदर जो केमिकल है वो